हे एवरीवन, सो आज हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं। वो है कि आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे आप मल्टीपल पोस्ट मल्टीपल अकाउंट्स पे कैसे डाल सकते हो। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लर के बारे में। सो पब्लर क्या है? पब्लर एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, फ्री सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, जिससे कि आप काफी सारे कुछ कर सकते हो उस पे। ठीक है, पब्लर को मैंने इसलिए पिकअप किया है, मैंने क्योंकि मैं पर्सनली यूज किया हूँ पब्लर को। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसका फ्री फीचर्स पे आपको इतना कुछ फीचर्स मिल जाएगा जो कि पेड प्लान्स पे भी नहीं होता है। फॉर बफर, फॉर एग्जांपल हूटसूट, इसका जो पेड फीचर्स पे जो फीचर रहता है इसका पब्लर पे फ्री फीचर्स पे वो है। ओके, सो नंबर वन, पब्लर इज अ फ्री सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल। पेड वर्जन में भी आपको, पेड वर्जन भी है, उस पर काफी कुछ मिल जाएंगे। सो मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा व्हाई पब्लर क्यों हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, तो आराम से इंस्टॉल कर सकते हो पब्लर को, आप रजिस्टर कर सकते हो। ओके, पब्लर का नंबर वन इज इट्स एन फ्री सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल। नंबर टू, आप क्या कर सकते हो पब्लर से आप अपने जो पोस्ट है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो, आप इमीडिएटली पोस्ट कर सकते हो। नंबर थ्री, आप रिसाइकल कर सकते हो। एंड नंबर फोर, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब ये जो चार पॉइंट मैंने बोला आपको, नंबर वन आप इमीडिएट पोस्ट कर सकते हो, नंबर टू आप स्केड्यूल कर सकते हो, नंबर थ्री आप रिकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हो, नंबर फोर आप रिसाइकल कर सकते हो। इमीडिएट पोस्ट मतलब आपको एक पोस्ट डालना है हर एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, सोशल मीडिया पे इमीडिएटली आपको अभी डालना है तो आप अभी डाल सकते हो। ये है नंबर वन। नंबर टू क्या है? नंबर टू है कि आपको स्केड्यूल करना है, राइट? आपको जो आपका पोस्ट है उसे स्केड्यूल करना है, तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। स्केड्यूल, ऑटो स्केड्यूल आप कर सकते हो। ऑटो स्केड्यूल क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपने एक सेटिंग कर लिया, सेटिंग पर जाके आपको करना पड़ता है कि मेरे को 8 बजे पोस्टिंग करनी है, मंडे 8 बजे, ट्यूजडे 9 बजे पोस्टिंग करनी है, वेडनेसडे मेरे को 10 सुबह 10 बजे पोस्टिंग करनी है। इस तरह आपने सेटिंग कर लिया। एंड आप पोस्टिंग, आप जब पोस्ट करोगे आप तब ऑटो स्केड्यूल जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो आपने सेटिंग किया है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपको सिर्फ एक बार एक टाइम फिक्स कर लेना है कि किस किस टाइम पे आप पोस्ट करना चाहते हो। एंड देन जब आप पोस्ट डालोगे तो आपको ऑटो स्केड्यूल करने से उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा जिस टाइम पे टाइम फ्रेम को आपने सिलेक्ट किया है। तो नंबर थ्री हम लोग क्या बात करेंगे? नंबर थ्री हम लोग बात करेंगे कि रिकरिंग के बारे में, रिकरिंग पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो रिकरिंग पोस्ट क्या है? नाउ लेट सपोज आपका कुछ प्रोडक्शन सर्विसेज है। ओके, लेट सपोज आपका कुछ प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट को आप 50% ऑफ देना चाहते हो 7 दिन के लिए। ओके, एक सप्ताह के लिए 50% ऑफ देना चाहते हो। तो आपने अपने उस पोस्ट को रिकरिंग कर दिया कि डेली ये अप टू 1 वीक ये पोस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे ग्रेब आवर सर्विसेज एंड गेट 50% ऑफ और बाय आवर प्रोडक्ट गेट 50% ऑफ, तो आपको क्या हो जाएगा कि 7 दिन रिकरिंग पोस्ट जो आपने पोस्ट डाला है वो ऑटोमेटिकली 7 दिन तक वो रिकर होते जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट होते जाएगा। 7 दिन बाद जब आपके जो 50% ऑफर आप जब दे रहे हो, जब विड्रॉल आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट भी विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि आपने 7 दिन का फ्रेम दिया था कि 7 दिन तक ये पोस्ट रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हम लोग करते हैं, राइट, कि हर महीना, जैसे हर महीना 1000 रुपया रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल तक 1000 रुपया पर महीना हम लोगों का डिडक्ट होता है। सिमिलरली रिकरिंग पोस्ट पे क्या होगा कि हर, अगर आप डेली करना चाहते हो तो डेली होगा, अगर वीकली करना चाहते हो तो वीकली पोस्ट होगा, आप अगर मंथली करना चाहते हो तो मंथली होगा। एंड एक पर्टिकुलर फ्रेम कि मेरे को 1 जनवरी से 30 मार्च तक करना है, तो ये जो टाइम फ्रेम है इस टाइम फ्रेम तक आपका रिकरिंग पोस्ट होते रहेगा। ठीक है, और नंबर फोर हम लोग बात कर रहे हैं रिसाइकल के बारे में। तो रिसाइकल क्या है? रिसाइकल ये ऑटोमेटिकली रिसाइकल होते जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट अगर आप रिसाइकल करोगे उसको एंड उसका टाइम फ्रेम दे दोगे कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है हर वीकली एक बार पोस्ट होना चाहिए आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया पे, या हर मंथ पे एक बार पोस्ट होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली रिसाइकल होते ही रहेगा। मतलब ये जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये रिसाइकल होते जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग पे आपको एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, एंड डेट देना पड़ेगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट, जिसपे कि एक पर्टिकुलर डेट पे जाके रिकॉर्डिंग पोस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन रिसाइकल पे आप जब तक स्टॉप नहीं करोगे तो तब तक रिसाइकल होते रहेगा, राइट? सो काफी इंटरेस्टिंग ये 4 फीचर मैंने बताया आपको। उसके बाद नंबर 3, आप क्या कर सकते हो कि आप
हैशटैग रिसर्च कर सकते हो. ओके, नंबर 5, 4 कि आप 5 सोशल मीडिया, अप टू 5 सोशल मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया आप कनेक्ट कर सकते हो पब्लिक से, जो कि यू नो फ्री टूल्स. अगर आप बफर पकड़ लो, अगर हुटसूट अगर आप देखोगे तो उस पर आप 3 ही सोशल मीडिया आप कनेक्ट कर सकते हो. लेकिन पब्लिक फ्री पे आपको 5 सोशल मीडिया मैनेजमेंट कनेक्ट करने को दे रहा है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टूल एज वेल, काफी इंटरेस्टिंग टूल है और भी काफी कुछ आप कर सकते हो इससे. ये जो मेन फीचर्स है ये मैंने आपको बताया. और पब्लिक का सबसे अच्छा चीज जो मेरे को लगा वो है क्लटर फ्री क्लियर इंटरफेस है. मतलब एकदम क्लियर इंटरफेस है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. इतना इजी इंटरफेस है आपको कि आप इजीली समझ सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो. तो उसका आप पब्लिक का और भी काफी इंप्रूवमेंट या और भी काफी फीचर्स आने वाला है. तो अगर आपने आपके पास अगर मल्टीपल सोशल मीडिया है ना, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सो नो नीड टू वरी. नीचे जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, अभी साइन अप कीजिए और आराम से अपना सोशल मीडिया को मैनेज कीजिए. सो आई होप आपको ये टूल, फ्री टूल अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड आने वाले वीडियोज का लुत्फ उठाइए. तब तक के लिए बाय बाय.